थैंक यू सो मच आनंद सिराज एंड मंदिरा फॉर यूजिंग माई रेफरल लिंक टू बाय फ्रॉम क्यूब ले लो। तो गाइस क्यूब ले लो को बॉक्स खोलते ही आपको यहाँ पर क्यूब और उसके साथ एक क्यूब स्टैंड का बॉक्स दिखाई देता है। मैंने पहली बार क्यूब स्टैंड का बॉक्स देखा बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस क्यूब के साथ कोई भी पाउच नहीं मिला, मतलब क्यूब ले लो जो देता है वो भी पाउच नहीं मिला। तो गाइस क्यूब को ट्राई करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत दिनों तक मैंने वेट किया। सो ये रहा हमारा क्यूब का बॉक्स और अपोजिट साइड पर हमारा मोयू का एक्सेसरी बॉक्स। अब इस क्यूब का जो है वो बेस हम निकाल लेते हैं और वो क्यूब हमारा कैसा परफॉर्म करता है उसके फर्स्ट इंप्रेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्यूब का प्लास्टिक रिमूव करते हैं और गाइस यूजुअली मुझे क्यूब्स गमी लगते हैं बट ये बिल्कुल भी गमी नहीं, ये शायद ड्राई होगा। हाँ गाइस आप साउंड से तो आपको अंदाजा आ रहा होगा कि बिल्कुल भी ड्राई है क्यूब, मतलब पूरा ड्राई है। मुझे ऐसे क्यूब बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब हम इसे सेटअप करेंगे बट आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा लिब्रेंट होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। वैसे भी अगर आपको थोड़ा लिब्रिकेंट चाहिए तो आप क्यूब ले लो की ल्यूब सर्विस भी बाय कर सकते हैं। अब गाइस हम इस क्यूब की कुछ कॉर्नर कटिंग देख लेते हैं। अब गाइस फॉरवर्ड कॉर्नर कटिंग, अब एक्चुअली गाइस सेटअप हमने किया नहीं इसलिए कॉर्नर कटिंग करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि सेटअप की वीडियो में ही हम असली कॉर्नर कटिंग इसकी टेस्ट करेंगे। रिवर्स में भी दिक्कतें आ रही है, शायद इसके जो स्प्रिंग कंप्रेशन है वो फुल पे रखी है, मतलब फुल टाइट है, तो इसे सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइज ये जो क्यूब है WRM2021 इसे मोयो कंपनी ने बनाया। इस क्यूब की जो साइज है वो है 55 mm। इस क्यूब का वेट है 80 ग्राम और ये अभी आपको इंडिया में 1899 रुपीज में मिल जाएगा, मतलब लगभग 1900 रुपए में आप इसे क्यूब ले लो से खरीद सकते हो। अगर आपको क्यूब ले लो से खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को यूज कर सकते हो, उससे एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट भी होगा और जैसा कि इस वीडियो के स्टार्ट में हुआ था वैसा आपको भी शाउट आउट मिल जाएगा। अब गाइज इस क्यूब के जो मैग्नेट सेटिंग्स और इलेक्ट्रिसिटी सेटिंग्स है उसके बारे में मैं सेटअप वीडियो में आपको जरूर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको जस्ट कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो सेटिंग्स है उसमें 9 levels ऑफ सेटिंग्स में मिलती है, 9 इज द वीकेस्ट एंड 1 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। और गाइज मैग्नेट सेटिंग जो है वो मैग्नेट्स भी आपको 1 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेटिंग मिलेंगी और 5 जो है वो वीकेस्ट सेटिंग मिलेगी। अब बारी है एक्सेसरीज बॉक्स की। एक्सेसरीज बॉक्स में हमें बहुत सारे एक्सेसरीज दिखाई देती है बट अगर इसका आप जो कंप्लीट वर्जन है क्यूब का वो अगर आप बाय करते हो तो आपको एक एक्सेसरीज बॉक्स का बड़ा डब्बा मिल जाएगा, बट अभी हमें यहाँ पर RS3M की तरह एक छोटा सा डब्बा दिया है। पहला नया वाला टूल है एडजस्टमेंट टूल। सो ये टूल बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है एक्चुअली, इसे हम जब स्क्रू टाइट करते हैं क्यूब का उसे करने में हेल्प होती है। इसके बारे में हमें पाम्पलेट में दिखाई देता है, इसे हम मतलब सभी चीज़ों को हम सेटअप वीडियो में भी एक बार डिस्कस करेंगे बट यहाँ पर आप जो पाम्पलेट है वो देखकर आपको समझ रहा होगा यहाँ पर क्या करना है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके उसे रीड भी कर सकते हो। अब गाइज नेक्स्ट टूल है मैग्नेट एडजस्टमेंट टूल। मैग्नेट एडजस्टमेंट टूल में हमें मतलब सीधा स्क्रू ड्राइवर देने के बजाय एक खाली स्क्रू ड्राइवर दिया है और हमें 4 स्वॉर्ड्स दी गई है। सो वो जो स्वॉर्ड्स है उनके आगे आपको दिखाई दे रहा होगा एक छोटा सा एक्सटेंशन है, वो जो एक्सटेंशन है वो यूज करने के बाद टूट जाता है इसलिए हमें और ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा जो है वो स्वॉर्ड्स दिखाई देती है। अब गाइज नेक्स्ट है हमारा स्क्रू ड्राइवर जो कि एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर है और हमारा है एडजस्टमेंट टूल जो कि मतलब आपको RS3M होगा आपके पास तो आपको पता ही होगा। सो इतनी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एंड गाइज हमारा जो क्यूब का स्टैंड होता है उसके पीछे एक मतलब प्रिज्म टाइप चीज़ होती है, उसे आप निकाल कर ऊपर लगाकर उसका आप क्यूब स्टैंड भी बना सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और सेटअप वीडियो के लिए ट्यून्ड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।